मेरे प्यारे देशवासियों, आज आजादी का अमृत महोत्सव पे आप लोगों को सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आपके अंदर भी एक नया फ्रीडम का जज्बा पैदा हुए। आज ये 75th इंडिपेंडेंस डे, आजादी का ये जो दिन है, इससे हमें क्या नजर आता है कि आजादी के लिए बहुत सारे लोगों को लड़ाई करना पड़ा, एक लंबा टाइम तक संघर्ष करना पड़ा और इसीलिए मिला फ्रीडम, इसीलिए मिला आजादी। और इसी तरह से हमें इस ये आजादी का जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है, उससे हमें भी एक चीज समझना चाहिए कि स्ट्रगल के बिना कुछ बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, वो टाइम देना पड़ेगा, वो एफर्ट डालना पड़ेगा, वो दर्द झेलना पड़ेगा, वो डिफिकल्टीज को झेलना पड़ेगा, वो प्रश्नों को पूछना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने आप से एक्सेलेंस डिमांड करना पड़ेगा, अपने अंदर भयंकर रूपांतरण लाना पड़ेगा। ये एक संघर्ष है और जो संघर्ष हमारे देश के आजादी के लिए लड़ने वाले जो महान आजादी के लिए लड़ने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष हमें अपने लाइफ में करना चाहिए। और जब हम ये करेंगे तो हम बनेंगे एक सुपर पावर। तो ये 75th इंडिपेंडेंस डे में हम सब लोग मिलके प्लेज लेते हैं कि इंडिया को एक सुपर पावर बनाएंगे। इंडिया हमेशा एक सुपर पावर था, आज से कई साल पहले गोल्डन बर्ड माना जाता था, सोने की चिड़िया माना जाता था। हमें वो सोने की चिड़िया का जो हमारी जो रुतबा है, हमारी जो औकात है, हमारा जो एक पोजीशन है वर्ल्ड में, उसे वहां तक लाना है। हम देयरफॉर हर इंडियन को प्लेज लेना पड़ेगा कि हम अपना बेस्ट हम निभाएंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, हम अपना बेस्ट को निकालेंगे अपने अंदर से और इस देश को हमेशा आजाद रखेंगे। आजाद हमारी सोच में, आजाद हमारे विचारों में, आजाद हमारी बोली में। आजादी का ये वंडरफुल डे आप सबको शुभेच्छा देता हूँ। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।